नमस्कार दोस्तों, फूड डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ एक बहुत बड़ी खुशी शेयर करने आई हूँ, जो है ये YouTube की तरफ से मुझे मिला है, या हम जो भी फूड डिवाइन के फैमिली मेम्बर्स हैं उन सभी को ये YouTube की तरफ से मिला है सिल्वर प्ले बटन। तो इसे हम खोल लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं YouTube की तरफ से हमें एक सर्टिफिकेट मिला है। देखिए, रख देते हैं इसे साइड में। और ये है हमारा सिल्वर प्ले बटन। देखिए, ये हम सभी का है, जो भी फूड डिवाइन फैमिली के मेंबर्स हैं, बहुत ही प्यारा है। यहाँ पे फूड डिवाइन के नाम लिखा हुआ है और 1,00,000 सब्सक्राइबर पूरा होने के। तो फ्रेंड्स, आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अगर मेरा साथ नहीं देते तो मैं इतनी जल्दी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। आप सभी ने मेरे इतने सारे गलतियां होने के बाद भी अपनाया है, उसके लिए भी थैंक्स। और स्पेशल थैंक्स जाता है यूट्यूब को, जिन्होंने हम सभी के लिए ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया जहां पे हम कैमरा के सामने या कैमरा के पीछे, जहां से हमें कंफर्ट लगे, हम वहां से वीडियो बना के और अपना एक पहचान बना सके। और ये यूट्यूब बटन जब मैं खोला था या जब वहाँ से कॉल आया था, मैं इसकी खुशी आप लोगों के साथ मैं बता नहीं सकती कि मुझे इतना ज़्यादा खुशी हुई कि शायद ज़िंदगी में मुझे पहली बार ऐसा एक मतलब ऐसा खुशी मिली। और वो खुशी सिर्फ आप लोगों की वजह से मिली है, जहाँ पे ना आप मुझे पहले से जानते हैं, ना आप मेरा कोई पहले फूड डिवाइन से पहले रिश्तेदार थे या दोस्त, कुछ भी नहीं थे, फिर भी आप लोगों ने एक अनजान को इतना प्यार दिया। तो सच में आप लोगों को थैंक्स जितना भी बोलूँ बहुत कम है। तो मैं आगे भी यही चाहती हूँ कि आप लोग ऐसा ही मेरा साथ देते रहे, तो ऐसा ही मैं हर एक माइलस्टोन हम सब मिलके पूरा कर सके। और यूट्यूब जर्नी के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। और मुझे चैनल खोले हुए अभी 2 साल 3 महीने ही हो रहे हैं, और जब मैंने YouTube शुरू किया था तब मैंने पहले से कोई प्लानिंग नहीं किया था। मतलब सच मानिए कि मेरे दोनों बच्चे हैं, बट एक बोलते हैं, बेटी बोलते हैं कि आपका खाना इतना टेस्टी होता है कि मैं खाना खाते हुए तारीफ़ करना भूल जाती हूँ। ठीक है, अच्छे तो होते हैं बट तारीफ़ करना वो भूल जाते हैं। बट मेरा बेटा खाना खाने से पहले हाथ चूमता है और उसे बोलते हैं कि मतलब मेरा हाथ के गाजर का हलवा और बिरयानी उसे इतना ज़्यादा पसंद है कि वो जब भी खाता बोलता कि मम्मी आप ना YouTube चैनल शुरू करो। तो बस मैं बोलती हाँ ठीक है, खोल लूँगी। मैंने कभी ऐसा मतलब कभी उसकी बात को सीरियस नहीं लिया, बस मेरे पीछे रहता, आप 1 साल से खोल लो, हाँ खोल लूँगे। तो उसने जब देखा कि मम्मी को बोल के कुछ नहीं होगा तो उसने अपने पापा को बताया। तो हबी ने एक दिन बोला कि रेखा कर लो शुरू, हम सब तुम्हारे साथ हैं, जो भी मतलब चीज़ चाहिए किचन में, जो भी चैनल शुरू करने के लेके, मैं वो सब ला के दे दूँगा। तो बस जिस दिन रात को हबी ने बोला और मैंने बस अगले ही पल मैंने अपना फ़ोन उठाया, स्टैंड नहीं था क्योंकि प्लानिंग तो हमने की नहीं थी कि हमने यूट्यूब चैनल शुरू करेंगे। बेटा कैमरा पकड़ा और क्या बोलते हैं, फ़ोन पकड़ के हम, उस दिन संडे था और हमारे घर पे चिकन बनने वाला था, तो मैंने चिकन की रेसिपी मेरी पहली है जो मैंने बनाई, और मुझे वो सारे वीडियो देख के मुझे खुद पे इतना हंसी आते हैं कि मैं आधे तो सोते हुए बोलती थी, आधे तो मैं अपने मन में बोलती थी, इतना डर लगता था
कि बस फिर भी आप सभी ने इतना मेरा साथ दिया। और मेरे बच्चे तो है ही, जो लोग मुझे हर मतलब हर स्टेज पे मुझे संभाला। जब मैंने चैनल शुरू किया था तब मैं 4 महीने सिंगल वीडियो डालती थी, रेगुलर एक एक वीडियो जाता था। फिर मेरे बेटे ने बोला आप कर सकते हो तो दिन में हम 2 वीडियो डालें, तो हाँ मैं कर लूँगी। तो बस मैंने 6 महीना फिर से बिना रुके 6 महीना 2-2 वीडियो डाली। और एक दिन में 2 वीडियो जाने का मतलब आप समझ सकते हैं कि मुझे दिन में 4 रेसिपी बनाना पड़ता, और उसके बाद घर का खाना बनाना अलग से। तो फ्रेंड्स, पुराने वीडियो जब मैं देखती हूँ खुद मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती है, और जो पुराने काफ़ी जो शुरुआत के वीडियो है उसमें तो ज़्यादातर हमारे ही व्यूज़ है, क्योंकि हम जब बाहर जाते हैं कहीं पे तो हम अपनी मतलब गाड़ी में चला देते तो अपनी आवाज़ सुन सुन के इतना हंसते थे कि आप लोगों ने मतलब मैं खुद हम इतना हंसते हैं कि हम रेसिपी सिखा रहे किसी को वो तो डर के मारे भाग जाएंगे, क्योंकि इतना डरावना आवाज़ था मेरा। अभी पता नहीं कैसा है, लेकिन हाँ पहले से अच्छा करने की कोशिश किया है। तो फ्रेंड्स बस इतना ही बोलना चाहूँगी, आगे भी आप लोग ऐसा ही मेरे साथ रहिएगा, और कुछ भी सजेशन हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ज़रूर फॉलो करूँगी। या कोई ख़ास रेसिपी हो आपको जो आप चाहे कि मैं बनाऊँ उस रेसिपी को, तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो स्पेशल थैंक्स मेरे बच्चों को और मेरे हबी को। और फ्रेंड्स एक अनाउंसमेंट छोटी सी मैं आज करना चाहती हूँ, मैं एक नया चैनल खोल रही हूँ रेखा दास के नाम से, और उस चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहे तो वहाँ से चेक कर सकती हैं। और वो कुकिंग चैनल नहीं होगा, और मुझे भी नहीं पता कि वो चैनल ब्लॉगिंग होगा या फूड से रिलेटेड होगा, बट मैं ये चाहती हूँ कि जैसे आप सभी ने इस मतलब फूड डिवाइन को प्यार दिया है, उस चैनल को भी आप अपने दिल से अपनाएंगे। तो फ्रेंड्स दिल से एक बार फिर से शुक्रिया, और यूट्यूब को स्पेशल थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा।